पार्टी करी है। अमलोह चे बपारियां नाल मीटिंग करन उपरांत फतेहगढ़ साहिब पहुंचण मनीष सिसोदिया शहीदां दे पवित्र स्थान श्री गुरु फतेहगढ़ साहिब विखे नतमस्तक होए, जिथे इनफॉर्मेशन दफ्तर विच उन्हां दा सिरोपिआं दे नाल सन्मान किया गया। इस मौके बोलदिआं मनीष सिसोदिया ने कहा कि अज पंजाब दा वपारी वर्ग पंजाब कांग्रेस पार्टी तों बहुत तरह दुखी है, जिस नाल वपार बहुत नीचे तक चला गया। उन्हां दा कहना है कि आम आदमी पार्टी दी सरकार आउण ते रेड राज बंद किया जाएगा ते वपारियां नूं बिल्कुल भी परेशानी नहीं होवेगी। टिकटां दी वंड च पछड़न दी मनीष सिसोदिया ने कहा कि जल्द ही टिकटां दा ऐलान किया जाएगा। पंजाब सरकार दी कारगुजारी ते वड्डे सवाल चुकदिआं मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार वल्लों विकास दे वड्डे दावे किए जा रहे हैं, जदों कि स्कूलां दी कारगुजारी देखण लई सरकार वल्लों स्कूलां दे गेट तक बंद कर दित्ते जांदे ने। दिल्ली दे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब च नियुक्त कीते गए हलका इंचार्जां नूं टिकटां देण दे मामले ते उन्हां कहा कि इह समां ही दस्सेगा कि टिकटां किसनूं दित्तियां जाणगियां। आज फतेहगढ़ साहब आने का सौभाग्य मिला, कुछ अच्छे कर्मियों की इतनी शहीदों की धरती पर आकर पुण्य मिला है, यहाँ पे आके मत्था टिकाने का अवसर मिला, मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्य से मिलता है। और आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में व्यापारियों के साथ संपर्क कर रही है, आज यहाँ भी व्यापारी के साथ संवाद हुआ, व्यापारी वर्ग के साथ हुआ। ये देख के बड़ा दुख हुआ कि सरकारों की लापरवाही की वजह से और सरकार में बैठे लोगों की करप्शन की वजह से आज यहाँ व्यापार नीचे चला जा रहा है। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि व्यापार को ऊपर उठाया जाए, उसने कम कर दिया और वजह केवल और केवल है कि करप्शन। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो रेड राज बंद करेगी, किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि व्यापारियों के साथ मिलकर व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसका रोड मैप तैयार। सिसोदिया साहब, टिकटों की मांग को लेकर जो एक बात की, बाकी पार्टियों ने टिकटों की मांग कर दी, शुरू कर दिया है, आम आदमी पार्टी पीछे क्यों रह रही है? आम आदमी पार्टी भी करेगी, चुनाव तक तो सभी करेंगे। अच्छा, एक आप पंजाब सरकार की कैसे देख रही है? पंजाब सरकार की कारगुजारियाँ तो बहुत ही खराब है, पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया। और मतलब बड़ी बात करते थे कि भाई पंजाब के स्कूल अच्छे कर दिए हमने, पंजाब के स्कूल नंबर वन हो गए। जब मैं पंजाब के स्कूल देखने गया तो वहाँ पे जाके ताला लगवा दिया स्कूलों को कि मनीष सिसोदिया अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर अंदर गए तो पर्चा कर देंगे इसके खिलाफ। तो अगर नंबर वन स्कूल हो गए थे तो दुनिया को देखने दो ना, ताला क्यों लगाते हो? दिल्ली उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी आज सरहद विखे सरहद व्यापारियों के नाल मुलाकात की है, मुश्किल सुनिया ने की हाल व्यापार का है पंजाब दे, किस तरह पिछले कई साल उजड़िया है फतेहगढ़ साहब का व्यापार, जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां इत्थे इंडस्ट्रियां सी इत्थों चिरियां गईयां ने, ट्रक ऑपरेटर का जिहड़ा हाल है, इत्थे बॉडी बिल्डर ने जिहड़े उन्हां दा बड़ा भैड़ा हाल, उन्होंने दस्सिया अपना जिहड़े एक सिलाई मशीन का जिहड़ी डब्बी बनती इत्थे, किसी जमाने च हिंदुस्तान की सब तो वड्डी इंडस्ट्री इत्थे सी, वह भी तबाह हो गई। और सारियां मुश्किलां सुनिया, विश्वास दवाया भी अगर आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब बन गई तो इंडस्ट्री जी है दोबारा इतने स्थापित होगी और बड़ी बड़ी तरक्की करूगी। सो ये व्यापारियों और सारे लोग इस गल तो बड़े खुश हुए हैं, गुरुद्वारा साहब मत्था टेक गए हैं, शहीदों का आशीर्वाद लेके गए हैं, तो सानू उम्मीद है भी आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी। फतेहगढ़ साहिब तो जगदेव सिंह की रिपोर्ट, स्टार कनेडा टीवी।